आज मैं बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर चल रहा था और इस फर्स्ट पेपर में जो आपका अध्याय है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय की कविताओं का कुछ संकलन आपके पुस्तक में दे रखा है। अज्ञेय छायावादी हिंदी कविता, प्रयोगवादी हिंदी कविता, नई हिंदी कविता और साठोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख रचनाकार हैं और चर्चित लेखक हैं हमारे देश में। तारसत्तर का संकलन और उनकी कविताओं का प्रकाशन का जो सारा श्रेय वो भी अज्ञेय को ही जाता है। हिंदी कविता को नया कलेवर, नया प्रयोग, नई संरचना, नए विधान, नए उपमान, नई प्रतीक योजना, इन सबको देने वाले भी अज्ञेय जी। सब प्रखर लेखक है, उनकी कविताएं हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को पता है। उनकी पहली कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है वो कविता है बाबरा आहिरी। कविता का टाइटल ही इस तरह से है कि उसको सुनने के बाद ही उसकी जो अप्रस्तुत योजना है, जो अप्रस्तुत विधान है, जो उसमें निहित रूपक है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा टाइटल पढ़ते समय बाबरा आहिरी, बाबरा ही बाबरा पागल और आहिरी का मतलब शिकारी, और शिकारी पागल नहीं होता, शिकार करने जाता है तो वह सतर्क होता है, सावधान होता है और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सारे काम करता है। उसे किसी पक्षी का, किसी पशु का अगर शिकार करना है तो बड़ी बेवकूफी से कर सकता है उसका शिकार। तो इसमें भी जो कवि अज्ञेय है उनकी कविता है बाबरा आहिरी। इस कविता में निहित भाव क्या है और इस कविता का संदेश क्या है इसको स्पष्ट करना है। तो कविता का शीर्षक बाबरा आहिरी, इस कविता के बारे में आपको जानना है। कविता का शीर्षक बाबरा आहिरी क्यों रखा? लेखक कहता है कि ये जो सूर्य है जो पूरी धरती को प्रकाश देता है, पूरे वातावरण के अंधकार को दूर कर देता है, और ये सूर्य अपने आप में एक ऐसा शिकारी है जो किसी को बख्शता नहीं। शिकारी तो निश्चित रूप से निश्चित टारगेट पर काम करता है, अपने जाल में जिसको फंसाता उसी को ही फंसाता है, लेकिन सूर्य रूप के शिकारी के लिए कुछ भी अवध्य नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सूर्य की जो जाल, सूरज की जो जाल का किरण है, सूरज की किरणों का जो जाल है, जब सूरज उगता है तो अपने सारे किरणों के जाल को इस सृष्टि में फैला देता है और फिर इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब सूर्य के जाल में बंध जाता है, सबको सूर्य का जाल अपने में कैच कर लेता है। इसलिए वो कहता है कि कैसा आहिरी है, बाबरा आहिरी है, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं है, हर जगह की कलुषता, हर जगह का अंधियारा और हर जगह का जो अंधेरा है वो सूरज के प्रकाश से दूर होता है, हर किसी को अपने जाल में बांधता है। इसलिए कविता का शीर्षक लिखता है वो बाबरा आहिरी। कविता में व्यक्त भाव क्या है? कवि अज्ञेय जो आधुनिक हिंदी कविता के महान हस्ताक्षर हैं वो कहते हैं कि एक शिकारी जब शिकार पे जाता है तो उसमें दाने फैला देता है एक जगह, फिर उसको अपना जाल फैला देता है, और जब उस पर छोटे छोटे पक्षी, बड़े पक्षी बैठते हैं तो अपने जाल को खींच लेता है, इससे वो पक्षी उसमें फंस जाते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ सूर्य रूपी शिकारी है जो आकाश में उदित होता है और किरणों रूपी जाल को फैलाता है, तो उसकी जाल रूपी किरणों से छोटे पक्षी, बड़े पक्षी, मझोले पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, मंदिरों के शिखर, घरों के अंदर के कमरे, आकाश
वो किसी को बख्शता नहीं है, सबको फंसा लेता है और सब जगह की जो कलुषता है अंधेरा उसको दूर कर देता है। इस प्रकार से वो कहता है कि ये जो कविता है इसमें मैं दो शिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वो, या दो अपने कविता के रूपक के माध्यम से एक वास्तविक शिकारी प्रकृति का शिकारी। कवि की अपेक्षा और आकांक्षा क्या है? कवि कहते हैं कि हे सूर्य रूपी शिकारी तू वाकई बावड़ा है, तूने अपने सूर्य के जाल रूपी किरणों में सबको फंसा लिया, सबको आबद्ध कर लिया, लेकिन मेरे हृदय की गुफाओं में, मेरे हृदय की शिराओं में, मेरे हृदय के अंतर मन के गहरों में अभी बहुत अंधेरा है। तुझे मैं सफल शिकारी तभी मानूंगा क्यों तू मेरे अंतर मन में छाए हुए अंधेरे को दूर कर दो। बाहर के मैल को, बाहर की मलिनता को तो नहाकर साबुन लगाकर दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर की मलिनता को, अंदर की कलुषता को, अंदर सिरा और धमनियों में फैले अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको दूर करना आवश्यक है। तो कवि अपेक्षा किससे करता है? सूर्य रूपी शिकारी से। अब कवि की आकांक्षा यही है, कवि की अपेक्षा है कि तो प्रकृति की हर चीज को अपना जाल में बांध लेता है, हर जगह की अपेक्षा करता है तो मेरे मन के भी ये संदेह को दूर कर दो, ये मेरी आकांक्षा है, ये सूर्य रूपी शिकारी से मेरी अपेक्षा है। और कविता अपने संदेश को कहता है किस प्रकृति में उजाला ही जीवन है, अंधेरा मृत्यु है। अगर आप सूरज के उजाले में प्रकृति की कुछ चीजों को देख सकते हो, लेकिन अगर मन में उजाला हो जाए तो प्रकृति और अनंत सबको देख सकते हो, सबका एहसास कर सकते हो, लेकिन ये तब संदेह होगा जब सूर्य रूपी प्रकाश आपके अंतर मन के कण कण में व्याप्त हो जाए। ये प्रकाश बाहरी न हो, ये आंतरिक भी, बाहर भी प्रकाश हो, अंदर भी प्रकाश हो, और आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा, आपकी श्राएं, आपकी धमनियां, आपका दिल, आपका दिमाग पूरी तरह से प्रकाशमान है तो दुनिया की हर चीज आपको साफ साफ दिखाई देती है। तो इसमें इस प्रकार से आकस्मिक विधान और इस प्रकार के रूपक की योजना कवि तैयार करता है दो रूपकों में, एक तरह में वास्तविक शिकारी है और एक में सूर्य रूपी शिकारी है। ये सूर्य रूपी शिकारी पूरी प्रकृति का शिकार करता है, लेकिन उसको लेखक चुनौती देता है, उसे अपेक्षा भी करता है कि सूर्य रूपी शिकारी नहीं तो मैं तुझे बावड़ा कि जहाँ जरूरत है या नहीं है तो सबको अपनी सूर्य की अपनी किरणों के जाल में फंसा लेता है और पूरी प्रकृति का अंधेरा मिटा देता है, लेकिन मेरे अंतर मन के अंधेरे को मिटाना भी बहुत जरूरी है। और अगर तू ऐसा करता है तो मेरी अपेक्षा पूरी होती है और पूरी मानवता की अपेक्षा पूरी होती है, क्योंकि ये काम तेरा अधूरा रह जाता है, लोगों के दिलों में बैठे हुए अंधेरे को दूर करना जरूरी है, तभी इस प्रकृति का कल्याण है, तभी तुम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में गिने जाओगे, अन्यथा आप क्या हो? बावड़ा।